किसी वायर में से कंडक्टर में से तो हम कहेंगे ये दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेकिन अगर चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं किसी वैक्यूम ट्यूब से या सेमी डिवाइसेस से जैसे लाइक डायोड और, ट्रायोड्स वगैरह तो इन्हें बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं तो जो आज से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती थी इन आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में बता रहा हूँ से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती थी उसमें इस्तेमाल होती थी जैसे कभी में भी हम देखेंगे मोनीटर्स उसमें इस्तेमाल होती थी आहिस्ता आहिस्ता फिर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली सेमी कन्डक्टर कंडक्टर डिवाइस ने जिसमें जगह सेमी कंडक्टर डायोड आ गया जिसे आप पी एन जंक्शन कहते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रायोड पेंटोड को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स ने और बाकी जो मॉडर्न डिवाइसेस थी उनने तो ये जो सी आर ओ है इसे हम कहते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं कि कैथोड रेस कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करती है थ्रू वैक्यूम ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब हमने देखना है कि व्हाट है क्या ये करती क्या है, इसका फायदा क्या है तो बेटा सी आर ओ एक, एक डिवाइस है और इसकी मदद से हम किसी भी वोल्टेज की वेवफॉर्म फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कोई से दो वोल्टेजेस वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम um, किसी भी वोल्टेज का एक पीक वैल्यू वी नॉट उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी उस वोल्टेज का टाइम पीरियड ऑल दीस थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग CRO सीआरओ की मदद से हम कर सकते हैं CRO है क्या इसे हम देखते हैं बेटा ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है इसे आप यहां पे देख सकते हैं अगर इसे इन डिटेल अगर देखा जाए तो इसकी ये डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है ये आपकी बुक से ली गई है एज इट इज बेटा सी आर ओ के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उनमें तो बेटा इसके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और ये किस तरह से कॉन्स्ट्रक्ट होती है इसकी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है वो यहाँ पे शो किया गया है सी आर ओ की इस डायग्राम में तो बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं वो आपके सामने हैं जिन्हें मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा ये एक आपको रेड कलर का नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं फिलामेंट ये फिलामेंट क्या करता है फिलामेंट ये फिलामेंट है इसे हम इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब ये गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करता है और गर्म कैसे होता है जब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे ना बेटा डिफरेंस तो करंट फ्लो करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो ये कैथोड है ये फिलामेंट गर्म करेगा कैथोड को इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड तो उसके बाद ये हमने एक ग्रिड लगाया है ये इसमें तीन एनोड्स लगे हुए हैं बारी बारी बताता हूँ कि ये चीजें हैं क्या अब बेटा कैथोड किसे कहते हैं कैथोड वो बड़ा टर्मिनल होगा जिसका जो एट लो पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू एनोड एनोड को कहते हैं ना पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव हाई पोटेंशियल जो है वो एनोड है कम पोटेंशियल और कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल एग्जाम क्या देते हैं कैथोड पे है और हाई पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे है और यहाँ पर तो और एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड एनोड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा वो एक्सलरेट हो जाएंगे इले, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने एनोड यूज किए और उसकी बैक साइड पे कैथोड था ताकि इलेक्ट्रॉन ये क्योंकि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही हैं, ये वाली बीम्स इसलिए कैथोड रेज कहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो कैथोड से रेडिएशन एनोड की तरफ आ रही हैं इन्हें एक्सडेट करने के लिए यहाँ पे ये एनोड लगाए इसके रस्ते में कैथोड और एनोड के दरमियान एक और यहाँ पर डायोड लगा हुआ है टर्मिनल है जिसे हम ग्रिड कहते हैं ग्रिड। तो ये जो ग्रिड है ग्रिड का पोटेंशियल बेटा एनोड से कम है लेकिन ये कैथोड से ज्यादा है बेटा ग्रिड हम इस्तेमाल करते हैं टू तो कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमने आगे जाने देने हैं इसका करके, जो आगे को जा रहे हैं तो ये हमने यहाँ पे बेटा तो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया अब इलेक्ट्रॉन गन का कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले एनोड ने उन्हें एक्सलेट कर दिया और उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रिड यूज किया है ग्रिड का पोटेंशियल एनोड से कम है कैथोड से ज्यादा है इट शुड बी माइंड इसके बाद बेटा दो पेयर ऑफ प्लेट्स हैं यानी कंडक्टर की प्लेट्स हैं उनके पेयर हैं जैसे मेरा हाथ देख लें दो पेयर एक पेर ये है एक प्लेट्स का दो प्लेट्स मिलेंगी तो एक पेयर बनेगा ना और एक पेयर इसके बाद आएगा अब ये वाला जो पेयर है अगर हम लोग देखें ये लेट्स है, तो ये वाला जो पेयर ऑफ प्लेट है ये अबाउट एक्स एक्सेस इस तरह एक और पेयर ऑफ प्लेट होगा वो सिमेट्रिकल होगा अलोंग वाई एक्सेस जैसा कि यहाँ पे शो देख सकते हैं आप एक ये पेयर ऑफ प्लेट्स है ये सिमेट्रिकल है अलोंग एक्स एक्सेस और एक ये पेयर ऑफ प्लेट है ये सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सेस है और ये आपकी स्क्रीन है जिसके ऊपर पिक्चर बननी है विद दी हेल्प ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स अब होता क्या है कि ये जो पेयर ऑफ प्लेट्स है, है जो सिमेट्रिकल है अलोंग एक्स एक्सिस इसके अक्रॉस बिल्ट इन वोल्टेज है यानी जो ही आप सीआरओ को ऑन करोगे इसके अक्रॉस सीआर को अंदर ही सर्किट जो है वो बना हुआ है और बिल्ट इन वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा बेटा ये जो वोल्टेज इसके ऊपर आएगा ना ये जो इस प्लेट के ऊपर जो सिमेट्रिकल है अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेवफॉर्म कुछ ऐसी होगी इसे हम कहते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म तो कहते हैं सॉटूथ

एक्सएक् तो इसे हम कहते हैं स्वीप बेस जनरेटर या टाइम बेस जनरेटर क्या कहते हैं स्वीप बेस या टाइम बेस जनरेटर कहते हैं स्वीप क्यों कहते हैं आगे मैं आपको बताता हूं स्वीप बेस जनरेटर या दिस वन इज दाइम बेस जनरेटर अब होगा क्या बेटा यह आपकी स्क्रीन है

रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी अट्रैक्ट करेगी तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले जाकर बिल्कुल ओरिजिन पे फॉल कर रही थी ये पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ डिफ्लेक्ट होगी और अपनी मैक्सिमम पे पहुंचेगी जब वी नॉट मैक्सिमम होगा तो उसके फॉर्म फॉर्मबा जीरो हो गया तो फिर ये वापस आ जाएगी फिर ये स्पॉट दोबारा से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ये बारा स्पॉट की डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी इट विल रीच टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी फिर मैक्सिमम पे जाएगी फिर जीरो हो जाएगी इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये वाला जो स्पॉट है ये स्वीप कर रहा है लगातार अलोंग एक्स एक्सेस तो इसलिए से हम कहते हैं स्वीप बेस जनरेटर या टाइम बेस जनरेटर और ये जो वोल्टेज वो, वो, वो वेव फॉर्म है वोल्टेज की दिस नोन एज सॉ टूट वेव अब होता क्या है कि हमने जिस वोल्टेज को मेयर करना ये तो था, था ना इसका बिल्ट इन

साइन फंक्शन ये जीरो से वन पे जाएगा वन से जीरो पे जाएगा फिर जीरो से माइनस वन पे जाएगा फिर माइनस वन से जीरो पे जाएगा तो ये साइन ओ साइडर साइन जो वेव है वो आपको पता कुछ इस तरह की होगी तो साइन ऑफ साइडर वेव फॉर्म अलॉन्ग एक्स एक्सेस तो पहले ही डिफ्लेक्शन थी अब अलॉन्ग वाई एक्सेस भी डिफ्लेक्शन हो जाएगी और अब इसका कुछ वेव फॉर्म इस तरह से बनना शुरू हो जाएगी और हम लोगों को वेब फॉर्म नजर आ जाएगी अगर हमने साइनोसाइडल वोल्टेज दिया है अलॉन्ग तो बन जाएगी अगर हमने वहां पर कोई रेक्टेंगुलर वोल्टेज दिया है तो रेक्टेंगुलर वेब फॉर्म आ जाएगी अगर स्क्वायर वोल्टेज दिया है तो स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी इट तो विल डिपेंड कि आप कौन सा वोल्टेज जो है वो, वो मालूम करना चाह रहे हैं इस तरह से बेटा अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस वोल्टेज आने से साइमल्टेनियसली ये waveform generate हो लेकिन जो वाला वोल्टेज है वो वोल्टेज वो, वो, है, वो, है वो 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 था, था, था। थी, की वजह से बना और और जो है, 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 हमने खुद किया सा, वाला जिसे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं या जिसकी हम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की वैल्यू टाइम पीरियड फेज वगैरह चेक करना चाहते हैं वो वो है जिसे हमने वाई एक्सेस के अक्रॉस अप्लाई किया बेटा ये जो जनरेटर है या ये जो voltage है जिसकी वेव फॉर्म शॉर्ट वेव फॉर्म है तो बेटा ये zero से maximum, फिर zero होने का जो टाइम पीरियड और इसका रेसी ब्रोकर लेंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी होगा क्या बेटा जब आप अलोंग एक्स एक्स पहले ही वोल्टेज था अलोंग वाई एक्सेज आपने वोल्टेज दे दिया तो ये वेव फॉर्म बन गई साइनोसाइडर अगर वो साइनस वोल्टेज है अब बेटा ये वेब जो है ये मूविंग वेब फॉर्म होगी मूव कर रही होगी लेकिन अगर ये मूविंग है तो हम लोगों ने तो यहाँ पे इसे पढ़ना है ना ये ग्रेडिंग इस ग्रेड बना हुआ है इसकी कैलिब्रेशन हुई हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इन खाने पढ़ सकते हैं हमें पता चल सकता है कि ये कितना जो है ये वाला साइड आपको टाइम पीरियड को शो करेगा ये वोल्टेज की वी को शो करेगा मैक्सिमम वोल्टेज कितना है और ये टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहां तक कितना है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर ये मूविंग है ना तो बेटा इसे पढ़ना बड़ा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट तो तेजी से मूव कर रहा होगा हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे देन इस मसले को हल करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं क्या करते हैं वैसे आजकल तो सिंक्रोनाइजेशन सभी को पता है आज से जब हम दस साल पहले पढ़ाते थे ना या सात आठ साल पहले पढ़ाते थे तो उस वक्त तक भी सिंक्रोनाइजेशन का नहीं पता था अब तो मोबाइल फोन ने आ, 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 आसान कर दिया है कि आप कॉन्टैक्ट्स की सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं एट सेट्रा हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय सिंक्रोनाइजेशन हम क्या करते हैं कि हम आ, वो जो स्वीप बेस जनरेटर जो वोल्टेज बना रहा था जिसकी वेव फॉर्म को हम सॉ टूथ वेव फॉर्म कह रहे हैं उसके ऊपर सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल लगा होता है सीआरओ के ऊपर हम उस कंट्रोल को वेरी करके उस वक्त तक वेरी करते जाते हैं जब तक ये वाला जो पैटर्न है ये हमें स्टैटिक नजर आना ना शुरू हो जाए जब हम ये स्टैटिक नजर आना शुरू हो जाएगा फिर हम आसानी से इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से इसका वोल्टेज और किसी खास टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू जिसे आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो बेटा ये स्टैटिक कब होगा ये स्टैटिक उस वक्त होगा तो बेसिकली जब हम नॉब को घुमा रहे थे तो नॉब नॉब को घुमाने से क्या होगा कि नॉब को घुमाने से हम लोग कैपिटल टी जो सार्टट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड था हम उसे तब्दील कर रहे होंगे उसे उस वक्त तक तब्दील करते रहेंगे जब तक वो टाइम पीरियड जो है आ, ये ट तो कर सकते हैं मैर कर सकते हैं बेटा ये है सी आर ओ इसके बाद अगर सी आर ओ दो तरह की होती है एक होता है सिंगल चैनल सी आर ओ सिर्फ एक ही आप उसके एक ही सिग्नल को आप टेस्ट कर सकते हैं कुछ होता है मल्टी चैनल सी आर ओ एक से ज्यादा सिग्नल्स को भी आप टेस्ट कर सकते हैं किया आपके पास मल्टी चैनल है और दो वोल्टेजेस को आपने चेक किया तो उसकी वेव कुछ ऐसी बनी एक की ये है सॉलिड लाइन और दूसरे की वेव ये है डैश लाइन इसे हम कह सकते हैं तो ये हमें एक इंफिनिटी का सिंबल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये ये शो करेगा कि दोनों वेव फॉर्म में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है कितने का है 180 का लेकिन अगर दोनों की वेब फॉर्म कुछ ऐसी बनती यानी ये एक ही वेब फार्म है दूसरे की वेव फार्म भी कुछ ऐसी बनती तो हम कहते हैं इनमें फेज शिफ्ट नहीं है जीरो डिग्री का फेज शिफ्ट है देर नो फेज डिफरेंस लेकिन अगर ऐसा है तो फिर है इसे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है अगर कोई और फेज uh, 180 के अलावा कोई और फेज शिफ्ट हो जस्ट लाइक like 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा कि जहां पर यानी ये साइनस है

पाँच दस मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दिया याद करना मुश्किल होगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने तमाम चीजें जो इसमें इन्वाल्व हैं वो सारी बता दी इस लेक्चर में ये क्योंकि फेसबुक यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद होगा अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ठीक है बेटा एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि, uh, काफी दिनों के बाद आज हमने लेक्चर लिया मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी करें और उसे देखा भी करें ताकि उसका वॉच टाइम जो है वो हमें मिल सके ठीक है बेटा टेक केयर अल्लाह हाफिज